नमस्कार दोस्तों, सारे मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। काम करया करेंगे लाइव तस्वीरें दे रहे हैं, देर में आएगी। प्रीतम सिंह जी जोगी एक सलिया दानियां लग रहे हैं जी, पूरा चल कर रही है साहब ना दे वो जो एक जगह लाइव शो दे लाइव तुसी देख सकते हो। कर लो कितने जान गए इतना दे नाल दीवाने वादे कितने जा रहे ने भाषा दे वाले पिंड दे विच जेड़ा प्रचार किया जा रहा है तो उन्होंने भी गलबात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह का जेड़ा उन्होंने वालों जेड़े पिंड दे विकास कराए जाणगे। लोग तुसी देख सकते हो किन्ने उन्हां दे नाल जेड़े अज जेड़ा वोटां दे लई जेड़ा पिंड दे विच अपील करन दे लई जेड़े निकले हुए है। सरदार प्रीतम सिंह जी जो कि इत्थे सरपंच दा चोण लड़ रहे ने पिंड हस्ता कला तो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, तो उन्हां दा जेड़ा चोण निशान है वह रोड रोलर तुसी देख सकते हो किस तरह रोड रोलर के उपर ही जेड़ा उन्हां दे वल्लों जेड़ा प्रचार भी किया जा रहा है। लाइव तस्वीर पिंड हस्ता कला तो देख रहे हो जिथे की सरदार प्रीतम सिंह जी जो कि इत्थे जो सरपंच दे चोणां दे उपर खड़े ने, किस तरह तुसी देख सकते हो रोड रोलर के उपर बैठ के जेड़ा इन्हां दे वल्लों जेड़ा प्रचार भी किया जा रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ करते हैं सरदार प्रीतम सिंह जी के नाल, तुसी देख सकते हो किन्ने जेड़े पिंड वासी ने उन्हां दे नाल जेड़ा उन्हां दा सहयोग कर रहे ने इस इलेक्शन दे विच। लाइव तस्वीर तुसी पिंड हस्ता कला तो देख रहे हो जिथे की सरदार प्रीतम सिंह जी जो कि सरपंच का चोण लड़ रहे ने, उन्हां दे वल्लों जेड़ा इत्थे पिंड दे विच रोड रोलर उपर बैठ के जेड़ा प्रचार किया जा रहा है। सरदार प्रीतम सिंह जी के नाल भी जिहड़ी गलबात करते हैं कि किस तरह के जिहड़े उन्हां दे वल्लों पिंड दे विच विकास किस तरह विकास करवाया जाएगा, तुसी प्रचार देख सकते हो उन्हां दे वल्लों जिहड़ा किस तरह जिहड़ा इह प्रचार किया जा रहा है। तां इत्थे जो लोग नाल मौजूद है उन्हां नाल भी जिहड़ी गलबात करदे आ जी। सर की नाम है तुहाडा? मेरा नाम सुखनाम सिंह है, मैं रिटायर्ड परिवारी हूँ। जी मेरे साला जी ने जिहड़े इलैक्शन ते पंचायती ते सरपंची दी चोण लड़ रहे ने उन्हां दी मैं सपोर्ट ते आया, बहुत वधिया रिस्पांस मिला। तुहाडा किहड़ा पिंड है जी? मेरा पिंड झोगड़ी पुलाना जी। ते पहला इत्थे सरपंच कौन है? पहला जगीर सिंह सरपंच सी 10 साल पहला, 5 साल पिछले इलैक्शन ही नहीं होया कोई। अक्का भाई सी जगीर सिंह जी, अक्का भाई इलैक्शन नहीं होया, ओह हाई कोर्ट दे रिक्रूट बैन करके ओहदा 5 साल एवें लंघ गए ते हुण इलैक्शन हो रहा है। जिहड़े पहला सरपंच सी उन्हां दे वल्लों पिंड दे किस तरह दे कोई सुधार करवाए गए? मैं तां इस पिंड दा रहण वाला, बाकी सुनन सुनन च पता भी इत्थे कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई किसी तरह की, इस करके जिहड़ा लोकां दे विच रोस भी है ते इन्हां दीआं दो पंचायतां बंद करे ओह जिहड़ी आ दोबारा फिर एक इकट्ठी पंचायत हुई है ओहदे करके भी रोस सीगा। जी सर आरबी लाई तो पैसा नहीं होया, मैं दरखास्त लाई है 4 तारीख को अपने आर ओ साहब ते कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। मैं कल भी बी डी ओ साहब को गया, उन्हें दरखास्त मेरी रोक ली नप ली है, आंदा मेरे को आई नहीं। विकास की गल करो जी, विकास हां विकास बारे भी तो पिंड का विकास है। विकास को नहीं होया जी, असि तो सेवा विच भी असि तो सेवा च स्वागा मार तक मुड़दा दे कपड़े भी असि करे। हुण जिहड़े सरदार प्रीतम सिंह जी इस बारी जिहड़ा इलेक्शन लड़ रहे ने उन्हां तों की उम्मीद है किस तरह दा जिहड़ा विकास करवाया जाएगा? इन्होंने इन्हों पैसे दी कोई परमात्मा दी मनो कोई भुख नहीं, इन्हां तों को बड़ा कुछ मालक ने दिता है ते पिंड दा विकास सानू बंदा दिसा है बे सही बंदा है
विकास करे दा पिंड दा एक बड़े ही अलग तरीके दे नाल जिहड़ा प्रचार किया जा रहा रोड रोलर पूरा पिंड जिहड़ा नाल है की नाम सी सर तुहाडा बोर सिंह तां ए सी बोर सिंह जी जिहड़े पिंड हस्तागला तो हां जी जी सर की नाम है तुहाडा सतनाम सिंह तां हुण किस तरह दे जिहड़ियां उम्मीदां जिहड़ियां प्रीतम सिंह जी इस बारी सरदार प्रीतम सिंह जी सरपंची दा इलेक्शन लड़ रहे ने किस तरह दे इन्हां दे वल्लों जिहड़े करवाए जाणगे ए जी बहुत सूझवान बंदे इलेक्शन लड़ रहे ने क्योंकि पिछले जेडे पांच साल दसे जा रहे है कि इत्थे जेडे इलेक्शन नहीं होए सी इन्होंने करवाए सी जेडी इन्होंने पांच साल पिछले नहीं होए साडा पिंड वखरा होया सी दो फाड़े कीते गए सी इन्हें सरदार प्रीतम सिंह ने सारे पिंड नूं इकट्ठा केस लड़के इकट्ठा कीता और सारयां दे नाल प्यार मुहब्बत दे नाल पिंड दे नाल चले अज भी सरदार प्रीतम सिंह जी जी सर की कहना चाहोगे जेड़ा अज सरदार प्रीतम सिंह जी दे नाल तुसी जेड़ा प्रचार दे वास्ते निकले हो बहुत वधिया माहौल है सर पिंड सारा एक पासे है जी बस ऐलान होने वाला ही बाकी है सर खुशी रैली तरह रैली कर रहे एक तरफा ही है सर किनिया वोटा जी थे पिंड हस्तागला साडे पिंड दी हैगे 1591 वोटा ने सर अज किन्ने जेड़े लोग है जेड़े प्रचार करके जेड़े बिलकुल देख ही सकते हो अजे तो बीबिया आई ने कले घने वीर ही आए ने बीबिया तुसी देख रहे हो बहुत वधिया माहौल है बहुत खुशी है बहुत ही ईमानदार शख्सियत ने पढ़े लिखे ने पिंड दा विकास जेड़ा हैगा साथ दे विच बैठ के कीता जाऊगा किस तरह दे जेड़े वादे कीते गए ने इन्हां दे वल्लों किस तरह दे जेड़ा विकास पिंड दे विच करवाया जाएगा देखो सर बाहरले पिंडां जानिया ग्रांट सारयां नूं मिली है आवण वालियां जिहड़ियां भी सरकारां पिछलियां आईयां ने हुण चल रही सरकार पंजाब भगवंत मान साहब दी पूरा पैसा प्रोपर आंदा है सरकार वल्लों पर सही तरीके नाल लाया नहीं जांदा तुसीं अगा वेख लो किन्ना गलियां नालियां दा किन्ना बुरा हाल है असी 70-72 साल तो गलियां नालियां च भटका आ लगभग 75 साल हो गए ने देश आजाद होए ने अज भी यही वादे किए जाते हैं कि असी गलियां नालियां पक्कियां करवावांगे सरदार प्रीतम सिंह जी जो कि इस बारी इत्थे पिंड हस्तागला दे विच सरपंची दी जिहड़ी चोण लड़ रहे आ तां उहनां नाल भी जिहड़ी गलबात करदे आ इधर आज तुम थले आज करी प्रीतम सिंह जी साडे नाल मौजूद है उन्होंने भी गलबात करते चोणा लड़ रहे ने प्रीतम सिंह जी बंद कर गलबात करते जी प्रीतम जी एक वखरा ही प्रचार जेड़ा अज तुहाडे वल्लों कीता जा रहा रोड रोलर दे उपर की कहना चाहोगे मैं ए चोण निशान रोड रोलर मिलने दा
पहले भी 10-12 साल हो गए इलेक्शन नहीं होया सी उदों भी रोड रोलर मिलिया सी ते ए जिन्ने भी पिंड दे लोग ने इकट्ठे हो गए उन्होंने रोड रोलर लियांदा और बड़े उन्होंने बच्चे उत्साह है वह कहते भी असि असल में विखाणी है चीज है असल में मतलब कहन दा है जो काम करने ने रोड रोलर एक सिमटम है पर असल मानसिकता यह बनी हुई है भी जिहड़ी गल तू कहने वह करके विखाउणा है असल रोड रोलर के उपर बैठ के इहदा प्रचार करन दा मकसद यह है कहनी ते कथनी विच नहीं फर्क साडा होगा जो असीं कहांगे वह करांगे लगभग जिहड़ा 75 साल हो गए ने देश आजाद होए नूं ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟੂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹਸਤਾਕਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹਸਤਾਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰ ਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਮੀਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ